अब इसमें सेल्फ स्टार्ट तो करना नहीं है कि अपने यहाँ दबाएंगे, वैसे मुझे आदत है दबाने की। चलिए तो अब इसको हम चलाते हैं। तो सबसे पहले कि पिछले पहले जो उठाती थी वो थोड़ा झटका से उठाती थी मोटर, जो इसका ऑप्टिमा E5 था, लेकिन इस बार जो मैंने नोटिस किया ये थोड़ा झटका लेके नहीं उठाती है, बड़ा स्मूथ तरीके से उठती है। लेकिन क्योंकि टॉप स्पीड में मेरे ऐसा जो दिमाग का बंदा है वो जो कि 3 सेकंड 4 सेकंड में 60 की स्पीड में चलाना पसंद करता है, तो उसके लिए हालांकि ये जो है उतना उसको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ध्यान समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये पेट्रोल नहीं यूज़ करने के लिए बनाया गया है। और अगर इधर हम इसको हाई पे अब मैंने कर दिया, आपने देखा कि ये 22 तक ही जाती है लो स्पीड पे, इसका जो मतलब जो भी मोड वोड दिया गया है। और इसको अब हम चला रहे हैं 24 पे, आगे काफ़ी भीड़ है। चलिए इधर से यू टर्न लेके एक बार चलता हूँ। तो ब्रेक मारने पे पहले जो ये इसका मोटर कट ऑफ हो जाता था लाइन, वो चीज़ नहीं होता है, तो क्या होता है स्मूथ रनिंग जो है वो बरकरार बनी रहती है। तो फिर से एक बार लो का मैं दिखाता हूँ आपको, इसका टॉप स्पीड चल रही है, क्या पता कैमरा पे आ रहा हो कि ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिव है व्यू है इसका। अभी ये आ रही है, टॉप स्पीड जो है 22 का आ रही है। दो लोग हैं हम लोग, मेरे साथ एक और बंदा बैठा हुआ है जिनका हाइट सॉरी वेट लगभग 65 kg है, मेरा वेट लगभग 55 kg है। और अब इसको मैंने कर दिया हाई मोड पे और अब मैं चलता जा रहा हूँ। 27 पे आके रुक जाती है, 27 पकड़ के स्पीड जो है वो ये आराम करने लगती है। उसके बाद मतलब उससे आगे इसका स्पीड नहीं, क्योंकि कंपनी क्लेम 25 का है और 27 तक जाती है। इसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं रखने के लिए, क्योंकि पहले जो ऑप्टिमा हम लोग यूज़ करते थे या फिर NYX वो सब 38-40 तक जाती थी, लेकिन ये 38 से 40 तक स्पीड तक नहीं जाती है, 27 की स्पीड तक जाती है। और बैटरी क्योंकि वही है तो हो सकता है कि इसका जो माइलेज है वो थोड़ा बेहतर निकल के आए, लेकिन स्पीड से थोड़ा आपको, अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, छोटे सिटीज़ में अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसी वाली। इसका वेट क्योंकि बहुत कम है तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान भी लग रहा है, और क्योंकि इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो वेट जो ज़्यादा वजन जो है वो तभी काम करता है जब आप का गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चल रहा हो, तो आपको ज़्यादा वजन की गाड़ी चाहिए होता है। लो स्पीड में कोई भी गाड़ी कोई भी वजन हो अपना काम चलता रहता है। तो यही है इसका रिव्यू, मुझे लगता है कि हो सकता है मैंने आपको हर एक पॉइंट से बता दिया हो, जिनको इंटरेस्ट हो इस गाड़ी को लेने में वो लोग खासा इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अपना। और जैसा कि मैं आप देख रहे होंगे बड़ा निफिक्र होके इसको चला रहा हूँ, तो बड़ी निफिक्र होके, क्योंकि इस स्पीड में ना ही आपका किसी तरह का एक्सीडेंट होना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर उस हिसाब से आप अगर आप चलाएँ तो आप आराम से चला सकते हैं। और मैं जो ये स्कूटर टेस्ट ड्राइव वाला लेके आया हूँ यहाँ पर टेस्ट ड्राइव करने और आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देने, वो है पटना का स्नेहा ऑटो है, जो कि हीरो इलेक्ट्रिक का यहाँ पे शोरूम है। उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो अगर आपको बात करना हो तो आप बात कर सकते हैं। जो पटना से हैं सिर्फ वही कॉल करें, बाहर वाले अपने नज़दीकी हीरो इलेक्ट्रिक गूगल पे सर्च करके वहाँ जा सकते हैं और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। टेस्ट ड्राइव यहाँ पर अवेलेबल होता है, आप अपना व्यू अपने अनुसार भी इस स्कूटर को देख सकते हैं, मतलब चलाने में आपको कैसी लग रही है और लेनी है तो क्या आपके पर्पज़ को सॉल्व कर रही है, और मतलब कितना ज़्यादा फ्यूल बचा सकते हैं इसे। इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत सारी आपने देखी होगी, मेरे सामने अभी खड़ी है हीरो इलेक्ट्रिक की डैश, डैश का नाम यहाँ लिखा हुआ है और हीरो इलेक्ट्रिक का जो लोगो है वो यहाँ पे है, ये हीरो इलेक्ट्रिक है और मैं हूँ आपका दोस्त रवि प्रकाश। चलिए तो सबसे पहले हम जो करते हैं इस गाड़ी के बारे में आपको बताते हैं कि ये गाड़ी में क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है। ये एक लिथियम आयन बैटरी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें 250 वाट का मोटर लगा हुआ है जो कि वाटरप्रूफ होता है। पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा होता है वाटरप्रूफ एक मोटर, और इस स्कूटर का जो चार्जिंग टाइम हो लगभग 4 से 5 घंटे का है। रेंज 60 किलोमीटर प्रति फुल चार्ज का इसका रेंज है, और ये गाड़ी जो आती है वो लिथियम आयन होती है। पहले वाला जो लिथियम आयन आता था हीरो इलेक्ट्रिक का, उसके बैटरी को आप निकाल सकते थे, इसके बैटरी को आप नहीं निकाल सकते। इसका अंडर सीट स्टोरेज में वो बैटरी पैक करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ से हालांकि दिखाई ज़रूर देता है, अगर आप पीछे के इस डब्बे से देखिएगा अंदर तो हालांकि दिखाई ज़रूर देता है। यहाँ पे जो बैटरी डाली गई है इसमें वो 48 वोल्ट की है, और जो इसमें चार्जर है, जैसा कि मैं अभी आपको चार्जर दिखाऊं, तो ये यहाँ पे आप देखिए हीरो इलेक्ट्रिक का ये चार्जर है,
और इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 180 से 240 वोल्टेज है और 3 एम्पियर पे चार्ज होती है। अब इसकी बात करें तो ये इसका वेट बहुत कम है, वैसे 69 केजी के आसपास की आती है और क्योंकि इसमें पेट्रोल तो डालेगा नहीं आदमी तो इसका वेट तो बढ़ेगा नहीं। एसेसरीज पार्ट में अगर कुछ भी लगा सकते तो 2-3 किलो और, लेकिन मतलब वेट में काफ़ी कम वेट की हो जाती है। तो अगर आपको कम वेट अगर हैंडल करना है तो उस समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट में भी आपको वही ट्यूबलेस टायर और 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिसके कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। टेलीस्कोपिक फोक से पीछे आपको शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं जैसे नॉर्मल स्प्रिंग्स में मिलते हैं, मोटरसाइकिल्स में मिलते हैं, उसी टाइप के आपको यहाँ पे मिल जाया करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बस आपका इंश्योरेंस होता है। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका जो टॉप स्पीड है वो जैसे कि अभी मैंने चलाया वो सिर्फ 27 का है और जो कंपनी क्लेम करती है वो 25 का करती है। तो वो लोड पे वैरी करता है क्योंकि मैं अकेले चला रहा हूँ तो 27 जा रही है, 28 जा रही है, लेकिन अगर इसको हम चलाते हैं डबल लोड के साथ तो जो कंपनी क्लेम जो है अगर लोड के साथ चलाते हैं तो वहीं तक रहेगा। मतलब कंपनी क्लेम जो 25 दिया गया है वो आपको रियल लाइफ में यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर डिज़ाइन वाइज देखें तो पिछली बार से ज़्यादा अच्छी की गई है, लेकिन प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस आते आते ये गाड़ी लगभग 68,000 रुपये की हो जाती है। तो यदि आपको लेनी हो तो आप 68,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे इसको परचेस करने के लिए। यूज़ वाइज देखें तो आप अपने मतलब यूज़ के अनुसार आप देखें कि आपको किस तरह से ये जचती है, कि आपके डेली लाइफ के अनुसार इस गाड़ी को आप रख सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 60 का आपको जो है और फुल चार्ज पे आपको एवरेज मिल पाता है। इसमें अगर लाइट की बात करें तो लाइट में आपको LED हेडलाइट मिल जाते हैं और अगर इधर देखें तो इधर भी आपको 2 लाइट ऊपर में XLED लाइट्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक डिजिटल निगेटिव टाइप जो है आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें बैटरी शो करता है, किलोमीटर शो करता है और कितने किलोमीटर मतलब क्या स्पीड में चल रहा है गाड़ी, वो 3 चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। चाबी में पहले जैसा कि यहाँ पे हमें रिमोट लॉक सिस्टम ETC आता था वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, नॉर्मल की मिलते हैं। और जो एक्टिवा में जिस तरीके से आपका यहाँ पे स्विच बटन आता था अंडर सीट स्टोरेज खोलने का वही मिल जाता है, दोनों तरफ एक छोटा सा पॉकेट मिल जाता है। और ऊपर में देखें तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम हॉर्न मिल जाता है और इस साइड देखें तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे लाइट को ऑफ कर सकते हैं। और इसमें 2 मोड्स दिए गए हैं स्पीड के, एक हाई और एक लो। तो हाई स्पीड्स में अगर चलाइएगा हाई पे तो हो सकता है आपको माइलेज जो इसका ऑल रनिंग टाइम जो किलोमीटर है वो कुछ और कम हो। अगर पीछे में आते हैं थोड़ा सा और तो देखें डिज़ाइन वाइज पहले से थोड़ा सा ठीक लगता है। स्पेस के मामले में बात करें तो मेरा हाइट तो वैसे भी कम है, 5'6" है, फिर भी अगर मैं बैठूं तो आप देखिए कि इसमें कितना ज़्यादा स्पेस बचता है। आप यहाँ पे मेरा पैर देख सकते हैं और पीछे उसके बाद कितना स्पेस बचता है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और बताना बाकी है, बस इंश्योरेंस होता है इसका और इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको देना होता है। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, नंबर प्लेट ETC नहीं लगेगा, जो 25 के स्पीड वाला गाड़ी है इसमें ये सारी चीज़ें नहीं लगती है। पीछे का ट्यूबलेस टायर जो है अगर बात करें तो मेट्रो कंपनी का लगा हुआ है इसमें और ये जो है मोटर आपको वहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ मिलेगा। इसमें जो मिल जाती है वो लगभग 3 साल की वारंटी मिल जाती है और उसका डिटेल जो है वारंटी का मैं अगर बात करूँ तो आप जब भी परचेस करने जा रहे हैं कहीं पर भी तो वहाँ पर क्यूरी कर लें, क्योंकि हो सकता है मैं अभी ये रिव्यू आपको फरवरी में कर रहा हूँ 2020 में, हो सकता है कि फिर इन फ्यूचर 1 साल बाद आप देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, तो उस समय नियम क्या हो क्या नहीं हो, तो उसको एक बार जब भी आप अगर जाते हैं तो आप अपने शोरूम में ये इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। कभी भी कहीं भी आप जाते हैं किसी भी कंपनी की मोटरसाइकिल भी लेते हैं, कार भी लेते हैं, तो जो वारंटी मिलता है किलोमीटर और कितना किलोमीटर, क्योंकि उसका टर्म एंड कंडीशन होता है, तो आपको पूरी जानकारी लेनी होती है। मुझे लगता है कि मैंने सभी चीज़ें हर तरीके से आपको बताई हो और आपको समझाने का जो कोशिश किया है कि स्कूटर क्या है और माइलेज, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी आपकी जो कंपनी के ब्राउज़र में है वो है। क्यों चलिए, बाय बाय।